हेलो एवरीवन दिस इज़ ट्रेडिंग सीक्रेट्स वेलकम टू माय चैनल सो बिफोर आई बिगिन टूडेज़ वीडियो काफ़ी सारे लोग हैं जो uh, जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था मैसेज किया था कि सर uh, हम अपना मार्केट में ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं एंड uh, हम बिगिनर हैं एंड दे वांटेड टू लर्न फ्रॉम मी सो आप सभी लोगों के लिए देर इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ इन दिस वीडियो एंड इसलिए आप इस वीडियो को प्लीज पूरा एंड तक देखिएगा सो दैट यू नो कि व्हाट दैट गुड न्यूज इज ठीक है अदरवाइज नेवर बी एबल टू नो ओके सो दिस वीडियो इज बेसिकली माय अक्टूबर मंथ का पीएनएल स्टेटमेंट uh, जो मैंने अक्टूबर मंथ में किया है एंड इन फैक्ट मैंने इस मंथ के स्टार्टिंग में इनफैक्ट लास्ट मंथ भी मैंने बताया था कि सिंस लास्ट मंथ से देर वॉज अ डेट क्राइसिस गोइंग ऑन इन यूएस एंड देन आफ्टर दैट यहाँ पर आपका इसराइल एंड इसका वॉर स्टार्ट हो गया था वॉर सिन वॉज सो मैंने बताया था कि मार्केट जो है काफी ज्यादा ऊपर नीचे जा सकता है एंड वोलेटिलिटी जो विक्स है ये एक दिन आपको लगेगा कि हाँ मार्केट ऊपर जा रहा है एंड विक्स डाउन जा रहा है देन अगले दिन विक्स अप हो जाएगा एंड मार्केट डाउन चला जाएगा सो देर वॉज नो क्लियर डायरेक्शन दैट मार्केट वॉज गिविंग सो अकॉर्डिंगली मैंने लास्ट मंथ भी बताया था कि मैं अपनी जो पोजिशन साइजिंग है वो मैंने बहुत रिड्यूस कर दी है बिकॉज आई एम अ सेफ ट्रेडर सो मैं मार्केट से नहीं लड़ता मार्केट so ने मुझे मौका दिया कि इस बार मार्केट uh, ऊपर नीचे कभी भी हो सकता है सो दैट इज वाई आई रिड्यूज माई पोजिशन साइजिंग एंड जितना कैपिटल मैं जनरली यूज करता हूं जो मैंने अपने पिछले uh, जो पी एन एल स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को दिखाया है उसमें यूज करा है इनफैक्ट उसका आधा मैंने इस महीने अपने एफ एन ओ में यूज करा ठीक है थीके? <clears throat> जैसा कि मैंने लास्ट मंथ भी बताया था कि आई एम नॉट टेकिंग एनी ओवरनाइट पोजिशन तो मैं ओवरनाइट पोजीशंस बहुत कम अवॉइड करी है मैंने ठीक है बिकॉज आपको मार्केट कब नहीं पता मैंने जो थोड़ी रिस्की ट्रेड्स होती है उस टाइप की ट्रेड स्ट्रैडल वगैरह ये मैंने ओवरनाइट पोजिशन में कोई नहीं लिया बिकॉज आई डोंट नो वेयर द मार्केट विल गो ठीक है सो मैक्सिमम टाइम आई है बिकॉज uh, जब भी कभी ऐसा वॉर न्यूज वगैरह कुछ आती है एंड uh, स्पेशली uh, जो सैटरडे संडेज होते हैं तो सैटरडे संडेज में कभी भी कुछ ना कुछ गड़बड़ न्यूज आ सकती है तो उसकी वजह से विक्स ऊपर कभी भी स्ट्राइक डाउन हो सकता है एंड देयर है जैसे फैड न्यूज था फैड न्यूज में पीपल आर एक्सपेक्टिंग की शायद कुछ उनका हॉकेश व्यू रहेगा या uh, अगर होगा भी तो इतना ज्यादा ग्रेट स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए एंड लुक एट लुक व्हाट मार्केट हैज डन डो जो दो परसेंट ऊपर बढ़ गया था सो दीज काइंड सो इट्स बेटर एज पर न्यूज बेस्ड आप अपने आप को थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए पोजिशन साइज वगैरह जो है उसको रिड्यूस कर लीजिए वाई बिकॉज यू शुड बी मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स द प्रोफिटेबिलिटी रेदर देन बैकिंग यूर हैड अगेंस्ट द मार्केट विच इज गोइंग एज पर न्यूज ओनली सो इट्स बेटर गो विद फ्लो ऑफ द मार्केट सो दैट इज वॉट आई हैव डन इन पास टू मंथ इस महीने भी मैंने किया एंड पिछले महीने भी मैंने किया था ठीक है सो लेट्स गो इस महीने का मैं आप लोगों को अपना पी एन एल स्टेटमेंट दिखाता हूँ एंड इससे पहले कि लोग बोले कि आपका फेक है तो आप ये प्लीज देख लीजिएगा दिस इज अथेंटिकेशन एंड दिस इज हाइपर टेक्स टर्मिनल एंड दिस थिंग जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि दिस इज अ ऑरिजिनल थिंग आप प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा ठीक है सो एफ एन ओ एंड आई स्टार्टड फ्रॉम अक्टूबर टू दिस मंथ या सो दिस इज द अमाउंट एंड या सो यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा दिस इज वन डे का एफ एन ओ में लॉस बट दिस इज नॉट अ लॉस लेट मी कन्वर्टेड टू अयर ओवर व्यू दिस इज द डेट ओवर व्यू नाउ दिस इज अयर ओवर व्यू नाउ दिस हज बीन कन्वर्टेड इन टू ग्रीन नाउ पीपल विल से अरे इसमें तो रेड दिख रहा था इसमें ग्रीन कैसे हो गया ऐसा इसलिए हो गया बिकॉज दिस इज द डे वेयर आई बुक टू माई खवर्ड कॉल इस कवर्ड कॉल का मैंने आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बनाया था दैट यस आई वाज इन अ कवर्ड कॉल इन एमसीएक्स एंड आई न्यू दैट द डे आई विल बुक दिस कवर्ड कॉल पीपल विल से कि भैया तेरा लॉस हुआ था एंड देन यू हैव डन दिस एंड दैट सो दैट इज दैट इज दैट इज वाई मैंने आप लोगों को जब कवर्ड कॉल लिया था तब आई टोल्ड यू की कवर्ड कॉल एंड दैट इज हाउ द कवर्ड कॉल इज बिंग टेकन एंड वाई आई टेक द कवर्ड कॉल इसका एग्जाम इसका रीजन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है ठीक है, है इसके बारे में 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 मैं आपको के आसपास मैंने कमाया एंड बिकॉज uh, इस महीने मैंने काफी ज्यादा इक्विटी <coughs> को ट्रैक किया था बिकॉज uh, मैंने अपने चैनल पे भी बताया था कि एफ जो है इस टाइम पे काफी रिस्की चल रहा है तो एफ एन ओ में आई रिड्यूज माई पोजिशन साइजिंग एंड आईवेंट इक इक्विटी एंड उसके ऊपर दे रहा था सो अकॉर्डिंगलीव मेड गुड इन इक्विटी एंड एफ एन ओ में मैंने अपनी पोजिशन साइज कम करके आई हैव मेड रीजनेबल अमाउंट ठीक है सो ओवरऑल इफ यू आस्क मी सो दिस ओवरऑल आई हैव मेड इजिल मोर देन फाइव परसेंट ऑफ माई कैपिटल सो मेरा जो टारगेट रहता है दैट इज थ्री टू फोर परसेंट रहता है पर मंथ का सो so इस महीने आई हैव मेड गुड इन इक्विटी एंड आई है ठीक है इस एफएनओ में अगर आप ये सेवेंटी एट थाउजेंड का जो ये है इनफैक्ट दिस इज नाइन्टी थाउजेंड का लॉस था ये सो so ये ऐड कर देंगे तो दिस दिस विल गो मोर देन टू लैक्स ओनली सो दिस दिसक इज वॉट माई टारगेट हैज ऑलवेज बीन इन एफ एन ओ विच इज नियरली अबाउट थ्री थ्री पॉइंट फाइव परसेंट मेरा हो जाता है सो दैट इज वॉट इट इज सो ओवरऑल दिस इज वॉट आई हैव मेड इन दिस अकाउंट सो दैट्स इट एंड बिफोर आई या yeah, इस अभी मैं आप लोगों को ये चीज दिखा देता हूँ सो दिस इज माई अक्टूबर ट्वेंटी था एंड कॉल का मैंने आप लोगों का मेरा जो चैनल है, ये 23, नीचे करके देख लेते हैं दिस इज अक्टूबर ट्वेंटी थ्री इसका मैंने ऑलरेडी मैसेज कर दिया था कि दिस इज द कॉल विच आई है इसका रीजन था बिकॉज मेरे को काफी अच्छा प्रीमियम मिल गया था एंड

2406 पे नहीं बुक किया था आई बुकड इट एट 2326 ठीक है 2326 पे मैंने इक्विटी बुक करा था एंड जो मेरा कवर्ड कॉल है प्रीमियम ऑप्शन का उसको मैंने 310 पे बुक किया था सो so, जिन लोगों को आईटीएम और ओटीएम का मतलब पता है एंड इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू के बारे में पता है तो दे कैन इजीली टेल कि ये 310 था एंड ये 326 था सो so, ये जो मेरी 2000 की एमसीएक्स की

2000 की कॉल जब mcx आपका 20 326 चल रहा था सो so ये जो 2000 की कॉल है ये कॉल बन गई आपकी आईटीम इंट्रिंसिक वैल्यू थी इसके अंदर ठीक है ये आईटीम बन गई एंड जब ये आईटीम बन गई तो जब ये 2326 चल रहा था इस 2000 कॉल की जो वैल्यू होनी चाहिए ऑन लास्ट डे ऑफ एक्सपायरी व्हिच इज आई गेस 30th नवंबर शायद मेबी आई एम नॉट श्योर या मे बी दिस इज द लास्ट थर्सडे ठीक है लास्ट थर्सडे ऑफ ऑफ नवंबर इस दिन पर अगर एमसीएक्स टू थ्री टू सिक्स बंद होता तो ये टू थाउजेंड की जो कॉल थी इसकी वैल्यू होनी चाहिए थी थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिक्स इस पर बंद होगा आप आज भी देखेंगे तो अगर आज एमसीएक्स सी ट्वेंटी फाइव हंड्रेड चल रहा है तो ये जो टू थाउजेंड की कॉल है इसकी वैल्यू आज की डेट में पांच सो तीस या पांच सौ चालीस के आसपास है ठीक है, इट शुड हैव बीन 500. व्हाई? बिकॉज इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू 500 है जो ये एक एक्स्ट्रा 30 और 40 पॉइंट्स है दिस इज कॉल्ड टाइम वैल्यू थीटा ठीक है

आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक uh, मिल जाएंगे मेरे ब्रोकरेज uh, हाउसेस uh, के यू कैन ओपन आर द रेफरल कोड्स एंड आप अगर uh, मेरे से सीखना चाहते हैं एंड इफ यू वांट टू एनरोल इन माय फ्री कोर्स सो आई रिक्वेस्ट आप उन uh, लिंक से अपना अकाउंट खोलिए एंड देन यू सेंड मी द स्क्रीनशॉट एंड आई विल एड यू टू माई कोर्स ठीक है then, uh, uh, and, uh, इस कोर्स का डेट अभी डिसाइड नहीं हुआ है विद इन अ शॉर्ट अटल द डेट विल ऑल्सो भी डिसाइडेड कि ये फ्री कोर्स मैं कब से स्टार्ट करने वाला हूँ बट द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड ठीक है इसका जो अपडेट है मेजर uh, अपडेट वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी दे दूंगा बट स्टेट यूडीग्राम चैनल बिकॉज उसके ऊपर मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूंगा सो एट लास्ट इफ यू वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम मी आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज ओपन योर अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट थ्रू द रेफर लिंक दैट आई एल बी एंक्लोजिंग इन द डिस्क्रिप्शन एंड सेंड द स्क्रीन शॉट टू मी एंड आई एल एड यू टू द माई कोर्स विच विल बी कमिंसिंग विद इन दिस मंथ ओनली ओके सो सो so, उस कोर्स में आई विल बी टीचिंग यू ऑल दीज थिंग्स की हाउ टू आई टेक ट्रेड्स एंड वाई आई बुक दीज काइंड ऑफ कॉल्स वॉट इज ऑप्शन ग्रीक्स व्हाट इज इंट्रेंसिक वैल्यू ओटीएम सो दीज आर द थिंग्स अगर आप लोगों को मार्केट के बारे में पता हो सो आप लोग इन चीजों के बारे में इजिली डिसीजन ले सकते हैं ठीक है होता क्या है आजकल जो भी रिटेलर्स आ रहे हैं दे आर कमिंग विद अ वेरी लेस अमाउंट एंड दे थिंक कि भैया ऑप्शन बाइंग कर लेंगे थर्टी फोर्टी थाउजेंड लेकर आते हैं एंड दे थिंक कि ऑप्शन बाइंग कर लेंगे कैपिटल डबल हो जाएगा बिकॉज मार्केट हैज बीन सोल्ड इन सच अ वे ठीक है बाय मेनी यूट्यूबर्स बाय मेनी फ्री स्ट्रैटेजी गिवर्स बिकॉज दे आर सेलिंग दोज स्ट्रेटेजीज इन सच अ वे दैट कि भैया आप लगाओ एंड प्रॉफिट विल बी डबल्ड मैंने आठ हजार लाया मेरे को बीस हजार का प्रॉफिट हो गया लेकिन ऐसा बीस हजार आपको निन्यान सौ में से केवल एक बार होगा बाकी नाइनटी नाइन परसेंट ऑफ द टाइम्स यू विल गो इन लॉसेस सो दैट इज वाई लर्न प्रॉपरली ठीक है लर्निंग इज द ओनली वे टू अर्न इन मार्केट ठीक है ब्लाइंडली नेवर पुट योर हार्ड एंड मनी ठीक है बिकॉज जब वो पैसा जाएगा ना तो बहुत दुख होता है एंड देन फिर आप लोग मार्केट को गाली देंगे जिससे सीखा उसको गाली देंगे बिकॉज यू हैव नॉट अंडरस्टूड द द बेसिक बेसिक क्राइटेरिया एंड स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट मार्केट हैज बीन डिजाइंड इन सच अ वे टू टेक मनी फ्रॉम यू एंड टू गिव इट टू दैट पर्सन हु इज हु इज हैविंग पेशेंस ठीक है हु इज हैविंग इनऑफ पेशेंस टू टू टेक दैट इजी मनी स्लोली ठीक है सर सो so,

I strike at the nail and I took these 16 points extra. ठीक है and that is how my uh, जो मेरा profit होना था उससे मैंने 16 points extra कमा लिया अगर मान लीजिए मुझे option Greeks की knowledge ना होती और सिर्फ मैं blindly चलता कि भाई covered call इसका मतलब ये होता है कि इस पे buy कर लो and महीने के last तक बैठे रहो जो premium आएगा लेके हम चले जाएंगे you would have never been able to take this 16 points of profit extra. ठीक है बिकॉज आपको ऑप्शन नहीं पता आपको नहीं पता वट इज आई टी एम एंड यू है सो दैट इज वाई लर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग सो स्पेंड योर टाइम इन दिस थिंग लर्निंग ओनली ओके सो दैट इज हाउ आई अर्न सिक्सटीन पॉइंट एक्स्ट्रा इन दिस एंड दैट इज वाई आई आई कवर्ड माई पोजिशन एंड सो so this was not uh, 2406 i booked it at 2326 and at the same time this was at 310 so i made a loss of 90400 in my fno and uh, and i got a good profit in my equity so basically what i did i did what i did was whatever the profit i was getting in this fno i transferred my 90000 of profit from fno to equity

जो मेरा यहाँ पर दो लाख का प्रॉफिट होना था उसमें से मैंने नाइन्टी थाउजेंड एफ एन ओ का प्रॉफिट उठाकर इक्विटी में ट्रांसफर कर दिया एंड जो बाकी मेरा इक्विटी में प्रॉफिट आया दैट इज एंटायरली डिफरेंट ठीक है सो दिस इज आई डिड सो दैट्स इट फ्रॉम दिस साइड एंड ये तो हुआ मेरा इस मंथ का एंड यस वॉट एल्स या वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर इज दैट देर आर फ्यू पीपल कि कवर्ड कॉल में लाखों का प्रॉफिट नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता आई जस्ट प्रूव्ड क्या है इज इट नॉट अ लाखों का प्रॉफिट नाइंटी थाउजेंड का लॉस है एंड दिस इज दैट सो इज इट नॉट वन लाख का प्रॉफिट है बट इट इज मोर सो ऑलमोस्ट डबल सो दो पीपल हु डोंट नो एनीथिंग अबाउट ट्रेडिंग हाउ कैन यू से ये गलत है ऐसा होता ही नहीं डोंट फूल अदर्स अरे हाउ फूल अदर्स

ठीक है एंड मेरा डेली का चल रहा है आप लोग अगर डाउट आता है तो प्लीज आप डेली का मेरा फॉलो करिए एंड डेली में देखते रहिए कि व्हाट आई एम डूइंग एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ओके सो दिस वॉज माई अकाउंट एंड लाइक आई सेट दैट आई ट्रेड इन टू अकाउंट सो दिस इज माई अदर अकाउंट इसमें मैं आप लोगों को दिखा देता हूं व्हाट एवर आई हैव डन सो दिस मंथ मेरा ज्यादा फोकस जो था वो इंस्टेड ऑफ एफ एन ओ आई वॉज मोर फोकस टूवर्ड्स माई दिस थिंग सो नाउ ऑन इक्विटी एंड स्विंग so this is my year overview and this was my monthly overview 1st okay? october is a November. number this is year overview i think okay? so in october i have made nearly about 1 no uh, i have made uh, yeah i have made nearly about uh, 138 per. so this is in this account i have made nearly about 8 to 10 percent of my capital uh, which is good enough because i have got a good uh, jackpot in uh, in my uh, trading in my equity trading so that has increased my profit to a marginal account so that's it the, this is my another account so this is how i have been doing trading and uh, this is my primary account so this is what uh, this is how i have feared in uh, my october month and before uh, uh, we sign off i would like to cover one more thing share uh, to all my well-wishers and uh, to all those who, do, who do, do not believe even my verified pnl so i just wanted to share one more thing that uh, actually uh,

And people are believing him outrightly. People have been commenting, yes, you are the true to your words. You have done uh, what you have not hidden anything. And he has not given any verified PNL. He has just shown this thing per monthly. For from past one month, he has been making losses nearly about 20 to 25 lakhs, maybe. I don't know. So people believed that. But when I show you these kind of things, along with my verified P&L,

ये जो पीएनएल एन कॉन्सोल में ये जो आपको लॉक दिख रहा है ये कॉन्सोल जीरोधा का लाइव पीएनएल आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूं इसके ऊपर तो भरोसा करो जस्ट डू नॉट अपनी आंखों पर पट्टी मत मांगो कि नहीं nah, ऐसा तो हो ही नहीं सकता अरे उसने वेरीफाइड पीएनएल नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता बिकॉज ये हो ही नहीं सकता अरे क्यों नहीं हो सकता जस्ट बिकॉज यू आर नॉट एबल टू डू इट दैट मीन नो वन कैन डू इट सो दैट इज द माइंड सेट एंड इज द साइकोलॉजी एंड दैट इज द ईगो दैट फ्यू पीपल Uh, have theek hai so the only uh, idea for me to share all these things with you guys is that ki sir profitable trading is possible theek hai like i always say do not run behind option buying because that has been designed in a way to take your profits why do you think ki ek call buy karne mein आपका 5000 हजार रुपए लगता है लेकिन इसी कॉल को सेल करने में आपका एक लाख रुपए लगता है आपको मैं एक सिंपल सी चीज बताता हूं सर ये एक बंदा है आपने इसको पांच हजार रुपए दिए और बोला कि चल मेरे लिए काम कर मैंने इसको एक लाख रुपए दिए और मैंने बोला अब तू मेरे लिए काम कर ये किसके लिए काम करेगा जाहिर सी बात है मेरे लिए काम करेगा नाउ अंडरस्टैंड इन अल्ड दिस इज मार्केट आपने इसको पांच हजार रुपए दिए कॉल बाय करी और आपने कहा ऊपर जा मैंने इसको एक लाख रुपए दिए और मैंने कहा कि तू नीचे जा मार्केट किसकी सुनेगा मेरी या आपकी बहुत कम पैसा है शायद किसी की ना सुने इसको ना कितने से मल्टीप्लाई कर दें एक हजार से मल्टीप्लाई कर देते हैं ठीक है फाइव थाउजेंड इंटू वन थाउजेंड कितना हो गया आई डोंट नो इसको भी वन थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर दो नाउ टेल मी मार्केट किसकी सुनेगा आई डोंट नो हाउ मच आई आई कांट इवन count this money outrightly but this is the amount of mark this is the amount of money that has been being invested in market on daily basis by big players and this is the amount that is being invested by retailers because they have come to double their money from 13 to 40 15000 to 30000 who do you think market will listen retailers or this one decide yourself अंडरस्टैंड वाई मार्केट इज गोइंग अगेंस्ट यू बिकॉज ये एक हाथी है आप इस हाथी को आगे से धक्का दे रहे हो ठीक है एंड ये जो एक लाख इंटू हजार जो कितना भी करोड़ हो रहा है आई डोंट नो ये इस हाथी को पीछे से धक्का दे रहे हैं तो आप है रिटेलर आपने लगा है पांच हजार रुपए तो हाथी आपको कुचल के आगे बढ़ जाएगा

वो इस मार्केट को पीछे से धक्का दे रहे हैं इस हाथी को पीछे से धक्का दे रहे हैं सो यू हैव टू डिसाइड वुड यू लाइक टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ दिस एलिफेंट और यू वॉन्ट टू पुश दिस एलिफेंट फ्रॉम बिहाइंड दैट इज ओनली वे टू अर्न फ्रॉम मार्केट ठीक है यस आप इस रिटेलर कैटेगरी में भी कमा सकते हैं आई एम नॉट डिनाइंग यू कैन नॉट अर्न आप कमा सकते हैं बट योर प्रॉफिट मार्जिन शुड नॉट बी हंड्रेड परसेंट इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल नॉट पॉसिबल Accept the reality. Okay, you have to learn properly. You have to understand your risk and reward. You have to understand how market is behaving. You have to learn. You have to clear fundamentals of the market. Okay, so understand these things: how market is behaving, how you are behaving. Okay, sir. Okay, so uh, that's it from my side, sir. And uh, before I sign off. Uh,

Uh, you can send me the screenshot and uh, i will be starting the, my free course from this month only and you need not to pay anything uh, from your pocket that will be absolutely free and from now onwards this is the first time that i am starting this and if this goes successful then yes definitely i will be uh, i will be continuing this uh, for a longer duration but uh, jo mera course ka uh, hoga, that will take times agar is course start hai, there is a possibility i might take some time after the after this course and uh, next course start current time loop. so that depends upon the availability of mine and uh, the timing that I have. Okay, so this is uh, how I have fared in this month. You can see this thing and my other account also I have, I have shown. And if people are not believing my life, this thing, this is my uh, zero the verified PNL statement. सो so, इसमें भी आप इसको देख सकते हैं यू कैन वेरीफाई इन दिस थिंग एंड दिस इज बीइंग रन ऑन डेली बेसिस सो डेली बेसिस में आप इसको देख सकते हैं ठीक है है एंड प्लीज ये जो डेज ना 248 का का 32 का लॉस 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 का लॉस ये लेके मेरे पास मत आइएगा इस तरह से फोटो खींच के ये देखो सर यहाँ तो रेड है और इस वाले में इस वाले में तो ग्रीन आ गया इस वाले में तो ग्रीन है यू आर फेक ये मत लेकर आइएगा मेरे पास ठीक है सो so, प्लीज आप लोग सीख लीजिए कि कैसे देखते हैं एंड या वन मोर थिंग कई लोगों ने मुझे बोला कि सर आप अपने दो साल का ट्रेडिंग डेटा दिखाओ इतने साल का ट्रेडिंग डेटा दिखाओ मैं सर इसको कितना भी पीछे कर लू ये लो जून से कर लेता हूं FNO. जून से तेईस तक का ओके तब आपको य... नहीं नहीं सॉरी व्हाट इज इट जून अच्छा एक जून तेईस हो गया ना सॉरी मैं इसको एक जून बाईस से भी अगर कर लू तब भी ये आपको इतना ही दिखाएगा बारह महीने का ही दिखाएगा ठीक है दिस इज माई ईयर ओवरव्यू तो ये आपको बारह महीने का ही दिखाएगा चाहे मैं इसको एक साल दो साल तीन साल कितने का भी करूं ठीक है सो पीपल हैव कम कम अप टू मी एज वेल कि आप एक साल का क्यों दिखा रहे हो आप दो साल का दिखाओ आप तीन साल का दिखाओ आपको पहले लॉस हुआ होगा तो उसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है जिसमें मैंने अपने जो लॉसेस है वो मैंने छुपाए नहीं है आई हैव ऑलरेडी शोन यू है लोसेस वट एवर आई हैव मेड इन द मार्केट एंड हाउ आई बिकेम प्रॉफिटेबल दैट इज इन द माई ट्रेडिंग जर्नी का एक वीडियो उसमें इट इज दर ओके सो इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज रेफर वेरीफाइड पी एन एल ओके ओके सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड एंड

Do please let me know in the comment section and I will make sure that I will make a video whenever I get the time and try to explain it as much as possible so that it will be easy for you guys to understand. Okay. All right. So thank you very much and uh, have a good day.